कल दिनांक 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धेश भगत का आगमन हुआ। पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के द्वारा उनके सम्मान में एक बड़ा सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वे मुख्य अतिथि की भूमिका में रहे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के जनसमूह ने फूल मालाओं से सिद्धेश भगत का भव्य स्वागत किया तथा उनके नेतृत्व में जुगसलाय विधानसभा अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के सभा स्थल तक एक रैली निकाला। सभा स्थल पर आयोजित इस सदस्यता कार्यक्रम में तकरीबन 200 की संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने राजबान सिंह, राजू पात्रो, सुमित्रा पात्रो, अमित कालुंडिया, गोविंद जोरा व वीरेश मांझी के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धेश भगत ने सभी नवागंतुकों को टोपी व माला पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल किया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में अधिकांश महिलाएं थीं। श्री भगत ने अपने ओजस्वी भाषण द्वारा सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा तथा उन्हें पार्टी की विचारधारा व उपलब्धियों को घर घर तक पहुँचाने को कहा। इस अवसर पर कोल्हान प्रमंडल के वरिष्ठ नेता मनीष डेनियल, जुगसलाय विधानसभा अध्यक्ष राजीव रंजन, जिला उपाध्यक्ष श्रीनिवास राज, जिला मीडिया प्रभारी विप्लव कर, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमनदीप सिंह, जिला शिकायत प्रमुख बैजू टुडू, विधानसभा सचिव लक्ष्मण हेम्ब्रम, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष उदय दास, युवा नेता रितेश व अन्य पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके उपरांत भारी भीड़ ने कृतज्ञता भाव से श्री सिद्धेश भगत जी को कार्यक्रम स्थल से विदा किया। हम तो छोड़ो, हम लोगों का क्या, एक बैग लेके घूमते हैं, शर्ट पैंट चप्पल डाल के निकल पड़े गांधी जी की आइडियोलॉजी, अरविंद जी की आइडियोलॉजी लेके। आप लोग क्यों? आप याद रखो, आज एक चीज अंडरस्टैंड करो आप लोग, आपका प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसको सिक्योरिटी दे रही है सरकार, पर इन बच्चों का क्या सोचा है आप लोगों ने? एक कौन से स्कूल में जाएंगे जहां एक ही क्लासरूम है, जहां फर्स्ट से एट स्टैंडर्ड में एक ही ब्लैक बोर्ड रहेगा, जहां तीन टीचर चार सब्जेक्ट सिखाएंगे, उसी स्कूल में पढ़ाएंगे इनको? अगर ये बीमार हो गए तो उसी अस्पताल में जहां एक एक बेड पे चार चार लोग सोते हैं, उधर सोना चाहते हैं? जब तक कोई मंत्री एमएलए कॉल करके नहीं बताएगा कि ये मेरा बंदा है, तब तक ट्रीटमेंट चालू नहीं होता, उस स्टेट में रहना चाहते हो आप? फिर वोट क्यों डालते इस पार्टी को? हमको तो राजनीति आती नहीं है, मैं सच में बोल रहा हूँ, हमको तो राजनीति आती नहीं है, हमको सिर्फ राजनीति कैसे बदले वो आती है। हम इधर आए आपसे वोट